हाथ को कैसे सोनिया जी राहुल जी और प्रकाश जी तक पहुंचे जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बहुत ही खूबसूरत नृत्य नारी मैं गीता सिंह जिला महासचिव और 87 छावनी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी। आज प्रोग्राम है, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। सभी महिलाओं में उत्साह है, प्रियंका जी ने जो हमारे महिलाओं के लिए सोचा है, हम महिलाएं प्रियंका जी के हाथ मजबूत करने के लिए हम प्रियंका जी के साथ हैं। और कोई स्पेशल गेस्ट आए थे? हाँ, गेस्ट आए थे, हमारी अलका लामा जी भी आई हुई हैं, हमारी प्रदेश अध्यक्ष भी आई हुई हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आई हुई हैं। तो इस बार चुनाव को लेकर आपका क्या आगे कदम रहेगा? हमारा चुनाव यह है, हमारी सारी बहनें मिलकर चुनाव लड़ेंगी। 40% जो महिलाओं की भागीदारी विधानसभा में प्रियंका जी ने दी है, हम महिलाएं चुनाव लड़ेंगे और भाजपा की सरकार को भगाएंगे। प्रियंका गांधी मैं समझता हूँ कि सोल के अंदर जो मातृशक्ति बैठी है वो उनकी बात का अपने आप जवाब देती है कि मातृशक्ति कितनी बड़ी तादाद में आज इस कार्यक्रम में आई है। तो बघेल साहब के जवाब तो इसी प्रोग्राम से मिल जाता है। कल आप लोगों ने देखा होगा झांसी में 12 से 13 हजार महिलाएं मैराथन में दौड़ने के लिए आई प्रियंका जी के नाम पे। ये इस बात का जवाब दे देता है कि कांग्रेस है, और मातृशक्ति इस बात का जवाब दे देती है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा का चुनाव मातृशक्ति तय करेगी, और वही हमारे एजेंडे में है। कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं विधानसभा चुनाव में आप? हम कांग्रेस पूरे दमखम के साथ 403 विधानसभा की सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। आज आपने देखा है कि आगरा में मातृशक्ति के साथ संवाद चल रहा है, और आपको जान के भी खुशी होगी कि 29 तारीख को फिरोजाबाद के सिरसागंज में गिरधारी इंटर कॉलेज के मैदान में आधा सीटों पे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। आज आपने देखा है कि आगरा में मातृशक्ति के साथ संवाद चल रहा है, और आपको जान के भी खुशी होगी कि 29 तारीख को फिरोजाबाद के सिरसागंज में गिरधारी इंटर कॉलेज के मैदान में आदरणीय प्रियंका गांधी जी फिरोजाबाद और आसपास के जिले की महिलाओं के साथ संवाद करने के लिए आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले चुनाव का एजेंडा महिलाएं, महिलाओं का विकास और महिलाओं का मैनिफेस्टो रहेगा, और यही आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव की नींव रखेगा। भाजपा को कहाँ देख रहे हैं चुनाव में, क्या लगता है इस बार रिपीट होगी या क्या स्थिति रहेगी? आप कल मैं फिरोजाबाद में था, और भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष उसी ग्राउंड में हेलीकॉप्टर उनका लैंड हुआ, और ये देख के मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम में 300 से 400 लोग मात्र थे। और आपको ना विश्वास हो तो LIU या अपने मीडिया के साथियों से आप पूछ सकते हैं। एक दिन पहले फिरोजाबाद ज़िले में उनकी जन आशीर्वाद यात्रा थी, केवल एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई जा रही थी, ना उनकी यात्रा में लोग थे ना उनकी सभा में लोग थे। तो भाजपा का दिशा और दशा और हश्र जो होने वाला है वो भाजपा भी इस बात को अच्छे से समझती है। आपको भी ये जान के भी खुशी होगी कि लखनऊ की मैराथन कल होने जा रही है, परमिशन हमें मिल गई है। कांग्रेस गठबंधन को लेकर के क्या स्थिति रहेगी, किसी राजनीतिक दल से गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी, क्या स्थिति रहेगी गठबंधन? देखिए, प्रियंका जी ने बार बार इस बात को साफ किया है कि कांग्रेस का किसी भी बड़ी पार्टी से कोई गठबंधन ना हम कर रहे हैं ना होने वाला है। कांग्रेस पार्टी अपने दम पे ये चुनाव लड़ने जा रही है। जो बड़ी पार्टी अगर गठबंधन कहते हो कि गठबंधन नहीं करना कर रही है, तो वो उनका डर है, जो अंदर से उनको डर सता रहा है। क्या भैया, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के चुनाव का नेतृत्व आदरणीय प्रियंका गांधी जी कर रही हैं। आप लोगों ने आज आगाज किया है, क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं आगरा की जनता को? पहला संदेश, हम आगरा की जनता, यूपी की जनता, हम पूरे देश की जनता को यही देना चाहती हैं कि लड़कियां अब जागरूक हो चुकी है, उनके हक छीनना अब कोई छीन नहीं सकेगा, वो इस समाज में, इस देश में, राजनीति में अपनी जगह हासिल करके रहेंगी। क्या स्थिति नजर आती है लड़कियों की उत्तर प्रदेश में इस वक्त मौजूदा जो दौर है उसमें, यूपी में लड़कियों की क्या स्थिति नजर आ रही है आपको? नजर नहीं आती यूपी में क्या स्थिति है, इतने रेप्स होते हैं, हाँ कोई उसका कुछ नहीं होता,
दलितों को इतना, फार्मर्स को इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना अन्याय होता है उनके साथ, कभी FIR तक लिखी नहीं जाती है। तो ये आपको नहीं, मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ ना, यूपी की स्थिति बता रही हूँ। तो महिला क्या यहाँ इतना अन्याय होता है उनके साथ, कभी FIR तक लिखी नहीं जाती है। तो ये आपको नहीं, मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ ना, यूपी की स्थिति बता रही हूँ। तो महिला क्या यहाँ पर, तो मर्द भी सुरक्षित नहीं है। तो ये हमारी महिलाओं, मुझे नहीं सुनाई दे रहा तो हमने शुरुआत तो की है ना। तो देखो, सबसे बड़ी बुराई और दुख की बात यही है कि जब इंसान कुछ करता है ना, तो आप ये कहते हैं पहले क्यों नहीं किया, एक जगह से करें तो आप बोलते वहां से क्यों नहीं किया। अरे कर तो रहे ना, साथ दीजिए, साथ दीजिए और बदलाव को लाने के साथ दीजिए। ये सारी चीजें सिर्फ अब भाजपा और अन्य जो राशन कार्ड उन्हीं की में क्यों होती है, कांग्रेस शासित राज्यों में चीजें क्यों नहीं दिखाई देती। सॉरी क्या, कांग्रेस शासित राज्यों में ये चीज क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि इतने रेप्स और ये सब नहीं होता ना। और किसी राज्य जब में होती है, जैसे कि दीदी ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी के कोई भी लीडर है, विधायक है, कोई भी है, कांग्रेस पार्टी का मेंबर है, अगर वो कहीं गलती करता हुआ नजर आता है, हमारे लीडर्स एक्शन लेते हैं एंड वी सी टू इट कि हमारे लीडर्स ट्वीट भी करते हैं उस बारे में, और अगर माफ़ी मंगवानी है तो वो भी करते हैं, तो एक्शन लेते हैं। एवरीथिंग इज अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन। अगर एक्शन लिया जाएगा तभी बदलाव आएगा ना। आप अगर बैठे रहेंगे कि हमें एक्शन ही नहीं लेना है और हमें न्याय करना ही नहीं है, तो कभी ना कभी जनता जागेगी, जो अब जाग रही है। और अफसोस की बात है कि आप लोग नहीं जाग रहे, आप लोगों को नहीं नजर आ रहा। मौजूदा सरकार में जो महिला को अब देखिए, जब लड़कियों का नारा शुरू हो गया है तो उन्होंने भी नारी शक्ति की बात करनी शुरू की। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आप हम आगे आगे चलेंगे, हम पहल करेंगे, आप हमारे पीछे पीछे आइए, क्योंकि वही करते हुए वो नजर आ रहे हैं अभी। महिलाओं को लेकर मुख्यमंत्री का चेहरा है उत्तर प्रदेश में, प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री का चेहरा है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि वो एक नेशनल चेहरा है, वो तो एक नेशनल चेहरा है, सिर्फ यूपी का नहीं, लोगों के दिल पे काबू करती है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।